हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ की बात करें चैप्टर 6 का है, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को क्या कहते हैं? बीपीटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें क्लास 10th के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये थ्योरम थोड़ा सा टफ आपको लगता है, लेकिन देखने के बाद से आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले अगर एनसीईआरटी की बात करें तो थ्योरम 6.1 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है इसका स्टेटमेंट देखो, पहले कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये स्टेटमेंट हो गया। इसका मतलब क्या कह रहा है? जैसे आपको कह रहा है एक ट्राइंगल दे दिया, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, इसके किसी एक साइड के पैरेलल ऐसी रेखा खींचा जाए जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। सकता है वो किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, ए बी के हो सकता है, ए के, मतलब एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये डी ई है, तो जब डी ई इसके पैरेलल है तो यहाँ पे कह रहा है ए डी बाई बी पी, ए डी बाई बी पी ए बाई ई सी के क्या हो जाता है, इक्वल होता है। ये थेल्स थ्योरम है, इसका यूज हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये आया कैसे। आपको समझ आ गया होगा थ्योरम, कि एक ट्रायंगल है उसके किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई ऐसी भुजा काट, मतलब ड्रॉ की जा रही है जो अलग अलग बिंदुओं पे अन्य दो लाइन जो बच रही है ना उसको काट रही है, और तीसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो ए डी बाई बी पी और ए बाई ई सी का जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल है। यही होता है थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम जिसे बोलते हैं। तो चलो इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर एक सिंपल ट्रायंगल की बात करें, मान लो एक ट्रायंगल है, तो ये तो बेस हो गया, इसे क्या बोलते हैं, बेस यानी कि आधार। तो यहाँ सामने वाले शीर्ष से जो लंब डाला जाता है उसे ही क्या कहते हैं, एच, यानी कि ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। यानी एक ट्रायंगल के सामने वाले शीर्ष से जो लंब डाला जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल ट्रायंगल का। मान लीजिए एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया जाए जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ये तो ऐसा हो गया कुछ इस तरीके से। मतलब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो। तो यहां से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाएंगे, ये ऊंचाई क्या होता है, सामने वाले शीर्ष से एल्टीट्यूड यानी कि लंब खींचा जाता है, ठीक है। क्या खींचा जाता है, लंब। तो क्या यहां से या यहां से कोई शीर्ष से पॉसिबल है क्या? तो याद रखेंगे जब कभी भी इस तरह का अधिक कोण त्रिभुज बनेगा तो उसका जो हाइट आता है, इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, और ये होता है हाइट। क्या हो जाता है, हाइट। बात समझ आया, इसे कहते हैं हाइट। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपके इस ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन में आएगा, तो इसे ध्यान देंगे। जब भी अधिक कोण आएगा तो उसका बाहर बनता है, उसकी ऊंचाई क्या होती है, त्रिभुज से बाहर होती है, और नॉर्मल ट्रायंगल में उसके अंदर होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाले हैं इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर। यहाँ देखो ई डी ई के हम बात करें परपेंडिकुलर का, तो कुछ इस तरीके से होगा, ये हो गया। फिर इसके परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हो जाएगा, और नीचे भी हम इन साइड को डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है। इस साइड को क्या कर रहे हैं हम, डॉटेड लाइन से मिला देंगे। आराम से समझना है कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट जब पूरी बात समझ आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको ऐसे क्या करना है, डॉटेड मिला देना, इतना बात हो गया। अब ये देखो, ये सामने वाले साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बात करें पहले किसका लेंगे, ए डी ई। शॉर्ट में एरिया को ए आर लिखेंगे। क्या हो गया, ए आर का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या ले रहे हैं, ए डी ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी, और हाइट
तो जब बेस ले रहे हैं उसी के सामने वाले शीर्ष से, तो ये बेस है, इसके सामने के शीर्ष क्या है, ई एन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ई एन इक्वेशन फर्स्ट। एंड फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ए डी और डी बी का रेशियो चाहिए, तो पहले ए डी लिख लिए, अब डी बी चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालेंगे, डी बी ई, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, तो ये भी होगा 1/2 बेस, बेस क्या लिए हैं डी बी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी। और हाइट तो ध्यान से देखिए, अभी अधिकोण त्रिभुज का बताएं, ये आपका क्या है, ये ट्राइंगल लिया गया है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या यही होगा, ई एन होगा यहाँ पे, यही ट्राइंगल है ना अधिकोण, तो इसका बेस को, बेस तो ये लेना है, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये नहीं परपेंडिकुलर जाएगा, तो परपेंडिकुलर यानी हाइट, हाइट क्या है आपका ई एन, इक्वेशन सेकेंड, ये क्या हो गया इक्वेशन। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर ए डी ई लेंगे, क्या लेंगे ए डी ई, तो ए डी ई लेंगे, तो अब बेस ले रहे हैं ए ई, क्योंकि अब चाहिए अनुपात हमें ए ई और ई सी का अनुपात चाहिए, तो जब बेस लेंगे 1/2 बेस यानी कि आधार, तो अब ले रहे हैं ए ई, तो ए ई पे परपेंडिकुलर देखिए, ए ई पे परपेंडिकुलर ए ई सामने वाले से शीर्ष डी एम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एम इक्वेशन थ्री। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल है डी डी सी ई, तो 1/2 बेस, अब बेस क्योंकि हमें ए ही तो मिल गया, ई सी चाहिए, तो बेस हो गया ई सी इंटू हाइट, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये गया, ये आपका डी एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एम, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा। अब देखिए हमें रेशियो क्या चाहिए, ए डी बाई डी बी का चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ और इन दोनों इक्वेशन को एक साथ डिवाइड करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण, समीकरण 1/ समीकरण 2, ऐसा जब करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यहाँ से आप देख सकते हो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो पेशेंस के साथ समझे क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्ट फुल है, ये 1/2 और क्या है ए डी इंटू ई एन बाई 1/2 और दूसरा क्या है डी बी, डी बी इंटू ई एन, तो ई एन से ई एन, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा ए डी बाई डी बी, अब इक्वेशन ए मान लिया जाएगा क्योंकि 1, 2, 3, 4 हो गया, तो अलग थोड़ा सा इक्वेशन ए मान लिए, लिखेंगे समीकरण, अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 को समीकरण 4 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जब भाग देंगे, समीकरण 3 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, क्या है ए डी ई, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए डी ई, और 4 क्या है डी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, डी सी ई वैल्यू रखो 1/2 क्या है आपका ए ई इंटू डी एम, ए ई इंटू डी एम और बाई 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब डी सी ई का क्या है 1/2 ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम, तो 1/2 से 1/2 डीएम से डीएम कटेगा, क्या आ जाएगा ए ई बाई आ जाएगा ई सी, ए हो जाएगा इक्वेशन बी, ये क्या हो गया इक्वेशन बी। अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी बी ई और डी ई सी, तो समझते हैं देखो डी बी ई, यहाँ से आप देख सकते हैं डी बी ई और डी ई सी क्या कह रहा है, एक ही आधार डी ई और समांतर रेखा बी सी और डी ई के बीच बने त्रिभुज हैं, आप देख पा रहे हो कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं डी बी ई और डी सी ई, ये एक ही आधार यानी आधार दोनों में डी ई हो सकता है, और ये डी ई और बी सी के बीच बने हुए त्रिभुज हैं, और इस तरह से समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज डी बी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इस प्रकार से हम लिखेंगे अतः समीकरण ए बी व समीकरण सी से। आप ध्यान से अगर देखो तो ये है ट्राइंगल डी बी और ये क्या है डी सी ई, और ऊपर वाला दोनों सेम है ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल ए डी ई, इसलिए ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों एरिया तो ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कन्फ्यूजन है एक बार रिपीट करके वीडियो को देखें या कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। अब इसी थ्योरम 6.1 का जो अपोजिट है थ्योरम 6.2 वो क्या है उसे देखेंगे और फिर आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अब थ्योरम 6.2 क्या कह रहा है, परिमेय 6.2 कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो AD/DB है AD/DB इक्वल टू यदि AE/ क्या हो EC हो, अगर ये कंडीशन दे रहा है, अभी तो हमने ये प्रूव किया लेकिन अब कह रहा है यदि एक ट्राइंगल में AD/DB यानी एक ही रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होगा समांतर होगा। तो कह रहा है कि जो आपका DE होगा वो किसके पैरेलल होगा BC के, ये आपको प्रूफ अप करना है। तो बहुत सिंपल सा इसी का रिवर्स है, आप एक क्या कर लोगे एक कोई इस पे डैश डैश करके दूसरा DE को छोड़ के DE- ले लेंगे, मान लेंगे कि E पे नहीं कहीं E- पे है। तो हम क्या लिखे हैं DE इस प्रकार लें कि AD/DBA ये आपको ये दे रखा है, हमें ए रेशियो पहले पता है AD/DB इक्वल टू AE/EC पहले दे रखा है, लेकिन इसको अनजान करते हुए हम मान लेंगे कि ई भी कोई ऐसा पॉइंट होगा ई डैश जो कि क्या होगा AD/DB और AE-EC के क्या होगा बराबर होगा। तो उसी प्रकार से हम ले लिए AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, इसका मतलब ये हुआ कि ई डैश और ई आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे, यानी ये जो ई डैश है यहाँ ना हो कि इसी के ऊपर होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है कि ई और ई डैश दोनों क्या हो AE/EC का रेशियो और AE-EC का रेशियो सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए कह देंगे कि ये क्लियर हो गया कि ये तभी होगा यानी ADE पैरेलल क्या हो जाएगा BC के हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है और याद रखना है कि 6.1 का रिवर्स है 6.2, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम थेल्स पर में और ये वाला पर में यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। तो फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज 6.2 में, तब तक के लिए थैंक यू।